जबिल्ल जी बिस्मिल्ला वेरी वेनरेबल वीयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अवॉइडिंग सिचुएशन एंड ऑब्जेक्ट कॉजिंग हार्म इट्स अचुएशन इन विच वी टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट के पातुकाट फूड आइटम्स आर ओपनली प्रजेंट किड्स आर यूजिंग इट जिस तरह उनका जी जाए कोक है वो बहुत ज्यादा पी लिया या फिर यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं लोलीज़ हैं या फिर यह है कि खाने पीने के फ्रूट्स हैं उसको उन्होंने देख के नहीं खाया उसमें कुछ ख़राब हिस्सा है वो भी खा गए और जिससे उनको उनकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है ख़ास तौर पर गोश्त खाते हुए या फिश खाते हुए उसमें जो उसके हार्ट पार्ट्स हैं हड्डियाँ हैं या उसके कांटे हैं वो बाड़ी में चले गए या गले में फंस गए तो ये इस तरह के नुकसान होने का ख़दशा होता है तो खाने पीने की चीज़ों को भी हमें विजिलेंट रहना चाहिए कि किस तरह से हम रखें और इसमें बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर किया जाए कि बच्चों की बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनकी अप्रोच से वो बाहर हों और कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे खा लेते हैं जैसे आ, आ, कुछ नट्स हैं कुछ इस तरह की चीज़ें हैं और जो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं यहाँ पर यह है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पार्ट्स छोटे छोटे पार्ट्स हैं प्लास्टिक के हैं तो वो प्लास्टिक की चीज़ों को खा लेते हैं कोम जो है वो मुंह में डाल लेंगे और वो खा लेंगे या उसका कुछ हिस्सा जो है वो बाद इस तरह के उसके जो दंदाने हैं वो बाद उसको तोड़ के तो वो चबाने की कोशिश करते हैं तो वो जब निकलेंगे तो जाहिर गले में ख़राश और बाकी चीज़ें जो ना वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं हमें माइंडफुल रहना चाहिए कि हाउस जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो उसको खा सकते हैं या फिर यह है कि वो उनके लिए हैजर्डियस हो सकती हैं जहाँ बाजुकात ऐसी कोई खिलौना है उसमें अंदर गोलियाँ होती हैं छोटी छोटी वो बाद आ, किसी मेटल की बनी होती हैं या फिर यह है कि वो प्लास्टिक की भी हों तो उनके निकलने से आ, नुकसान हो सकता है बाजूत हम बच्चों को पेन टॉप पकड़ा देते हैं उसमें यह है कि वो स्टील का क्लिप है वो भी उसके साथ है तो वो बाद बच्चे जो ना वो मुंह में ले के तो उसको निकलने की कोशिश करते हैं इसी तरह हेयर टाइज हैं और आ, फिर कुछ बैटरीज हैं कुछ छोटे कोइन्स हैं इसके बारे में हमें विजिलेंट रहना चाहिए कि ये बच्चों को फ्री हैंड ना दिए जाएं और आ, आ, उसके लिए आ, हमें बाखबर रहना चाहिए कि वट हाउ दे आर प्लेंग बच्चे की एज के एतबार से बच्चे की खेल के अतबार से हम ज़रूर ये नज़र में रखें कि व्हाट दे आर डूइंग और उसमें कोशिश ये की जाए कि बच्चे को आ, काम क्वाइट और पूरी तवज्जो के साथ खाने पीने की चीज़ें ए, लेनी चाहिए और हमें विजिलेंट रहना चाहिए बाद बच्चे तेज़ी से खा रहे होते हैं और बड़े बड़े लुकमें ले कर खा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उसके बाद अपने मोबाइल का जो पेरेंटल प्रॉमिस है वो उसको इंश्योर करना है तो ऐसी सूरत में बच्चों को ज़रूर देखें कि वो छोटे छोटे लुकमें और पूरी तवज्जो के साथ खाएँ और बग़ैर मोबाइल के खाएँ तो ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो सिर्फ खाएँ और खाएगा भी तो छोटे लुक में और वो डाइजेस्ट भी ठीक तरीके से हो सकेंगे और बच्चों के टॉयज़ को बार-बार देखते रहना चाहिए तो उसमें बाद ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि तो उसका टायर जो है ना वो टूट गया तो उसके अंदर से वो जो पिन है वो आ, भी बाहर आने लगी उसने मुंह में डाली और मुंह में डालने से उसका खतरा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो हमें बाख़बर रहना है कि उनके टॉयज़ प्रॉपर हों अगर कोई टॉयज़ पुराने हो गए हैं या इस तरह से कोई खतरे से भरपूर हो गए हैं तो उसको अलग कर दिया जाए ज़्यादा बेहतर है ज़्यादा सेफ है और इसमें किफ़ातचारी की ज़रूरत नहीं और इसी तरह आ, ऐसे टॉयस जिसके अंदर बैटरीज हों और बैटरी डिस्कार्ड करनी हो तो उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए बच्चे बाद बैटरी मुंह में ले रहते हैं और उसके लिए भी द पॉइजनस मटीरियल गर्ल्फ एंड इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर देर सेफ्टी और उसमें आ, जो ऐसे यानी खिलौने हैं जिसमें बैटरीज इस्तेमाल होती हैं और वो दैट इज़ वर्किंग उसके लिए भी हमें बाखबर रहना है कि वर्किंग बैटरीज को बाद अका बच्चे जो है न वो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं उनमें से जो रेस निकल रही हैं या फिर जो उनके करंट्स हैं वो वायर्स कोई बाहर निकल रही हैं या वो उसको मुंह में डालने की कोशिश करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक जो है ना वो भी उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं तो इसके लिए हमें पूरी तरह बच्चों के बारे में और उनके खिलौनों के बारे में इर्द गर्द के माहौल के बारे में एक पूरी अवेयरनेस रखनी चाहिए और बेहतर यह है कि बच्चों को हम बात पोलैटली डायरेक्शन भी दें और हम खुद भी उन पर नज़र रखें बहुत शुक्रिया साथ रहने का